हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिम इंडिया। आज की वीडियो में हम लोग जो है एक्सेल की बेसिक ट्रेनिंग के अंदर फ्रंट पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रंट पैनल जो है आपका यहाँ पर होम टैब के अंदर यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। इसके अंदर आपके पास जो है काफी सारे ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास जो है आप यहाँ पर कोई भी एक फ्रंट का स्टाइल या फिर आपके टेक्स्ट का स्टाइल जो है आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पर टाइप कर रहे हैं उसका जो है आप कौन से स्टाइल में उसको जो है आप देखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो है टेक्स्ट का साइज है, यहाँ पर आप जो है एक नंबर की वैल्यू सेलेक्ट करके आपके टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जितनी छोटी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उतना छोटा आपका टेक्स्ट होगा और जितनी बड़ी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उतना बड़ा जो है आपका टेक्स्ट होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर या तो ये वाले ऑप्शन को भी यूज करेंगे, यानी कि अगर आप ये जो आपके पास जो है यहाँ पर बड़ा ए का साइज दिख रहा है यानी कि बिग ए जो आपके पास है, ये वाले अगर आप ए को सिलेक्ट करेंगे इसका नाम है इंक्रीज फ्रंट साइज, तो आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा वो मैनुअली जो है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी नंबर्स। उसके बाद अगर आप डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये डिक्रीज फ्रंट साइज वाले ऑप्शन को आप यूज करेंगे। आपके पास जो यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड करने का ऑप्शन है, उसको इटैलिक में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, उसमें अंदर जो है आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देने का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास जो है बॉर्डर्स है, यहाँ जो है आपके पास फिल कलर का ऑप्शन है, और यहाँ जो है आप आपके टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं या फिर फ्रंट को जो है आप कलर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर ये पूरे सारे ऑप्शंस को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है हम लोग टाइप करेंगे बिम इंडिया, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको जो है यहाँ पर दूसरे प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर आपका बिम इंडिया का टेक्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, राइट, ये सेल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पर मुझे कैलिब्री नहीं बल्कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये एरियल ब्लैक में हो जाए, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में मूव कर देंगे ताकि जब हम इसका साइज चेंज करें या स्टाइल चेंज करें तो आपको चेंजेस जो है फौरी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो आप ये सेल को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप क्या करें आपके जो है फ्रंट स्टाइल में आप जो यहाँ पर चले गए और यहाँ आकर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि फौरी जो है आपके टेक्स्ट का जो है स्टाइल चेंज हो गया। अगर मैं जो है खाली एरियल सेलेक्ट करा तो आपका टेक्स्ट ऐसा दिखेगा, अगर एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड यूज करा तो ऐसा दिखेगा। उसी तरह जो है आपके पास यहाँ पर काफी सारे अलग 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 आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ पर कूपर ब्लैक भी यूज कर सकते हैं या फिर कॉर्बेल, कॉर्बेल लाइट या फिर आपका कोरेंट को या न्यू, अलग अलग जो है आपके पास स्टाइल्स है। एक्सेल के अंदर जो है आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रंट स्टाइल के अंदर, लेकिन आप क्या है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी जो है यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन थोड़े डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं जिसके अंदर जो है आपको टेक्स्ट साइज या फिर टेक्स्ट स्टाइल भी जो है आपको पूरा प्री डिफाइन यानी कि पूरा मेंशन रहेगा, तो आप वो स्टैंडर्ड्स भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं। यूजुअली आप जो है यहाँ पर कैलिब्री सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करने के लिए आप जो है यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन आप कीबोर्ड पे मार्क के यहाँ पर जो है सर्च भी कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन का भी जो है टेक्सटाइल यूज करते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको ये टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को जो है यहाँ पे इसके सेल को जो है आप सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी जो है प्रेजेंटली आपके टेक्स्ट का साइज जो है यहाँ पर 11 है, अगर आपको जो है इसको इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे 11 की जगह पे जो है इसको आप 16 कर देंगे, तो आपका क्या होगा यहाँ पर टेक्स्ट जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अगर इसको डिक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर आप क्या करते हैं 16 की जगह पे जो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 सेलेक्ट कर लेंगे, तो अभी जो है आपका टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया लेकिन आपका जो है सेल यहाँ पर बड़ा है। तो आप क्या करेंगे सेल के ऊपर यहाँ पर ई जो है आपका एसएल है, यहाँ पर आप इसके कॉर्नर में आके आप ये सिंबल को देख रहे हैं डार्क प्लस के टाइप का सिंबल है, तो ये सिंबल आप क्या करेंगे आपको जो है इसको डबल आप जब क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ को जो है ये एडजस्ट कर देगा, जितना आपका टेक्स्ट का साइज होगा उतना जो है आपके सेल की विड्थ हो जाएगी। उसके बाद अगर यही ऑप्शन जो है आप मैन्युअली यूज करना चाह रहे हैं तो आप सेल को सेलेक्ट करें, यहाँ पर इंक्रीज फ्रंट का जो है आपके पास साइज है, आप क्या करेंगे ये ऑप्शन पे अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको जो है टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा, उसी तरह आप जितने बार जो है इसको क्लिक करते जाएंगे आपका जो है टेक्स्ट का साइज यहाँ पर बढ़ते जाएगा। उसके बाद जो है अगर आप इसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे डिक्रीज फ्रंट साइज का जो है ऑप्शन यूज करेंगे, इसमें भी जो है आपको सेम फिलोसफी, आप इसको जितने बार क्लिक करेंगे आपको जो है उतना टेक्स्ट साइज जो है आपका छोटा होता जाएगा। उसके बाद सपोज आप इसको जो है डार्क करना चाह रहे हैं या फिर जो है बोल्ड भी बोलते हैं हम वो ऑप्शन को, अगर इसको जो है आप बोल्ड बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ये बोल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही जो है आप बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो आपका टेक्स्ट यहाँ पर जो है थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये बोल्ड के इफेक्ट को जो है अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा हमारे टेक्स्ट के साइज को जो है यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद जो है आपके टेक्स्ट को सेलेक्ट करें सेल को यहाँ पर और बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक करें, तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं आपको जो है यहाँ पर टेक्स्ट जो है आपका थोड़ा सा डार्क हो गया। अगर मैं ये बोल्ड ऑप्शन को जो है अनचेक कर दिया तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर टेक्स्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आप क्या है यहाँ पर कंट्रोल बी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर आपको जो है टेक्स्ट को बोल्ड करना है,
ठीक है। तो उसी तरह अगर आप कंट्रोल बी को और एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो है टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है इसको अगर आपको इटैलिक बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है आपको इटैलिक का ऑप्शन है जिसके अंदर आपको जो है शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई, तो आप वो वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर सीधा जो है आप आई पे क्लिक कर दें तो आपका जो है टेक्स्ट यहाँ पर इटैलिक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं इसको इटैलिक करने के बाद जो है यहाँ पर बोल्ड भी कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड है यानी कि इटैलिक टेक्स्ट स्टाइल में हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड भी है। इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर अंडरलाइन का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शन को भी यूज करते हैं इसके ऊपर। जैसे ही आप जो है अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके टेक्स्ट के नीचे जो है यहाँ पर एक लाइन आ गई। सपोज आप ऐसा चाहते हैं कि आपका जो है फुल टेक्स्ट जो है आपका अंडरलाइन नहीं होना, फर्स्ट जो है बिम वर्ड जो है आपका है वही अंडरलाइन होना और बाकी के वर्ड जो है आपके नॉर्मल रहना, तो आप क्या करेंगे ये रिमेनिंग टेक्स्ट डबल क्लिक करके आप जो है सेल के अंदर जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे जितना टेक्स्ट में जो है आपको अंडरलाइन नहीं होना और टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है आप अंडरलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा वो पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे से आपको अंडरलाइन चले गया। उसके बाद अगर आपको फिर से जो है पूरे टेक्स्ट पे आपको अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे सेल को सिलेक्ट करके फिर से अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे दो बार तो आपको जो है पूरे टेक्स्ट के जो है ऊपर अंडरलाइन आपको आ जाएगा। सपोज आप क्या चाह रहे हैं बिम के ऊपर जो है आपको अंडरलाइन नहीं यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आप जो है सेल के अंदर चल जाते। अभी क्या है आप यहाँ पर पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको जितना आपको होना है उतना आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो है बिम को जो है सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर बिम सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं बिम के नीचे से जो है आपको अंडरलाइन का ऑप्शन चले गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन यूज करते हैं। बॉर्डर ऑप्शन के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, आप सिर्फ जो है बॉटम में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, या फिर आप बिल्कुल बॉर्डर अगर अप्लाई है तो उसको निकाल सकते हैं नो बॉर्डर ऑप्शन के साथ। और ये वाला ऑप्शन हम हमेशा यूज करते हैं ऑल बॉर्डर्स, इसके अंदर जो है आपको जितना भी आप एरिया सेलेक्ट करें वो पूरे एरिया को जो है आप आपके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स यानी कि कॉर्नर में आप बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन थिन लाइन में, अगर आप थिक में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जो है थिक बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो है काफी अलग अलग ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं लेकिन उतनी जो है हमें क्वांटिटी सर्वे के अंदर जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है क्वांटिटी सर्वे के अंदर जितना भी हमारा जो है पेपर का साइज रहेगा, जैसा यहाँ पर जो है हमारा एक A4 साइज पेपर है तो आपको क्या करना है ये पूरे A4 साइज के पेपर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है आपके बॉर्डर्स में आएंगे, बॉर्डर्स में आने के बाद आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे एरो को और यहाँ पर आप जो है ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे आपको क्या होगा आपके पूरी शीट के अंदर जो है यहाँ पर बॉक्सेस आ गए, तो इसको जो है आप बॉर्डर बोलेंगे। हम लोग क्वांटिटी सर्वे के अंदर यही वाला ऑप्शन जो है ज्यादा यूज करेंगे और कभी कभी जो है आप ये वाला ऑप्शन भी जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसके अंदर जो है आपको थिक बॉर्डर वाला ऑप्शन भी है। तो जितने भी हमारे चीट शीट या फिर शॉर्टकट के जो शीट्स है उसके अंदर मैं ज्यादातर ये वाले जो है ऑप्शन को यूज करा। ये वाला ऑप्शन क्या है आपको थिक बॉर्डर यहाँ पर प्रोवाइड करता, आप जो ये थिक बॉर्डर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास है यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन, इसको भी जो है आप क्या कर सकते हैं ये सेल के अंदर जो है कलर फिल करने के यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल के अंदर जो है आप एक कलर देना चाह रहे, लेट से आप जो रेड कलर देना चाह रहे या फिर जो है आप येलो कलर देना चाह रहे या ग्रीन कलर, जो भी आप कलर देना चाह रहे हैं वो कलर जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो पर्टिकुलर कलर जो है आपके सेल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो ब्लू कलर का शेड है इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका क्या हो गया अभी सेल एक ब्लू कलर में हो गया। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारे क्वांटिटी सर्वे की मेन हेडिंग, सब हेडिंग और उसके यूनिट्स रहेंगे उसके अंदर हम लोग जो है ये वाले कलर को यूज करेंगे। यहाँ पर टॉप लेफ्ट में जो है आपका थर्ड वाला कलर जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है हम लोग क्या करते हैं हमारे हेडिंग्स के अंदर यूज कर रहे हैं हमारे कोर्स के अंदर। उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट के लिए कलर का, तो आप क्या करेंगे आपके टेक्स्ट को किस तरह से कलर अप्लाई करना है वो आपको देखना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करूंगा, कट करूंगा और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दूंगा तो आपको क्या होगा आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको जो है आप कलर अप्लाई करते हैं इसके टेक्स्ट को। एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं जैसे मैं जो यहाँ पर टेक्स्ट को जो यहाँ से कट करके इधर पेस्ट करा तो यहाँ पर जो बॉर्डर अप्लाई थी वो बॉर्डर भी जो है यहाँ पर चलेगी, तो यहाँ पर आपके जो है बिल्कुल अभी बॉर्डर्स नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो कि आप क्या यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं ऑल बॉर्डर का अगर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है आपकी बॉर्डर यहाँ पर आ गई। उसके बाद हम लोग एक सेल को सिलेक्ट करके जो है इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। जैसा जो है आप कलर सेलेक्ट करे थे सेल के लिए यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो ब्लैक रख सकते हैं या फिर जो है अगर आपको ब्लू टेक्स्ट रखना है तो आप यहाँ पर ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑरेंज रखना है, रेड रखना है, या फिर जो है आपको येल्लो रखना है, ग्रीन रखना है, जो कलर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो ग्रीन कलर या फिर चलो रेड कलर यूज करते हैं।
रेड कलर यूज कर लिए, ग्रे के ऊपर जो है इसका अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, आपके फ्रंट पैनल को एक्सेल के अंदर यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि कैसा आप लोग जो है एक टेक्स्ट का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो है आप उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर आप नंबर्स के थ्रू कर सकते हो और यहाँ पर आप मैनुअली इंक्रीज और डिक्रीज के ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका बोल्ड टेक्स्ट का ऑप्शन है, इटैलिक टेक्स्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन है। यहाँ जो है आपके फ्रंट के अंदर बॉर्डर्स है, यानी कि जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसको हम बॉर्डर बोलेंगे। यहाँ से जो है आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल बॉर्डर्स में। उसके बाद आपके पास जो है फिल कलर का ऑप्शन है, इससे हम लोग जो है बॉक्स के अंदर या फिर आपके सेल के अंदर जो है हम लोग कलर फिल करें। लास्ट ऑप्शन हम लोग जो देखे थे वो आपका टेक्स्ट कलर का था। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अलग अलग टेक्स्ट को जो है कलर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर है, ये रेड कलर की जगह पे हम लोग क्या है यहाँ पर इसको अगर आप जो है ग्रीन करना चाह रहे हो तो ग्रीन भी कर सकते हैं। ग्रीन में जो है आपको उतना कलर उठ के नहीं आ रहा तो आप जो है कलर चेंज कर भी सकते हैं, यहाँ पर येलो में कर दिए। इस तरह जो है आप आपके फ्रंट पैनल को यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अलाइनमेंट पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे।